हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अडर सेवन माई नेम इज सौरभ डे एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश फॉर एस बी आई पी ओ एंड क्लर्क टू थाउजेंड एंड नाइनटीन तो बच्चों इससे पहले देखा जाए हम लोगों ने तकरीबन छः क्लासेस करी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो सभी क्लासेस बहुत पसंद आई भी हैं तो थैंक यू माई डियर फ्रेंड्स आपका जो भी सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पर तो आज भी बच्चों देखा जाए हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सवाल करेंगे जो आज के क्वेश्चन होने वाले हैं ये हो जाएंगे सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फेज टू

Okay, so guys, here's the first question for you. So, the opening of the first office of Indian Ports Global Limited at Iran's Shabahar and the takeover of operations of the shaheed City port is being a milestone in India's regional connectivity and trade game plan. So, tell जो सही रिप्लेसमेंट है आपके पास तीन ऑप्शन दिए हुए हैं आर माइल स्टोन इन इंडिया रीजनल कनेक्टिविटी हैव बीन माइल स्टोन इन इंडिया रीजनल कनेक्टिविटी हैड बीन माइल स्टोन विद इंडिया इंडिया रीजनल कनेक्टिविटी बताइए यहां सही जवाब जो है वो क्या हो जाएगा योर टाइम फॉर थर्टी सेकेंड स्टार्ट नाउ सो अप एंड आंसर डियर फ्रेंड्स कमान 20 seconds left guy hurry up last 10 seconds guys come on what's the answer here everybody

तो बताइए बच्चों फाइनल आंसर है आई एम गोइंग गिव यू टू सेकेंड ओनली गिव मी योर फाइनल आंसर डियर फ्रेंड्स बताओ क्या ए को लगा देंगे

लिया होगा अब मैं काम करता हूं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सवाल नंबर दो पे चलते हैं नेक्स्ट वन प्लीज सो चाबहार पोर्ट ओपन अपॉन परमानेंट ऑल्टरनेटिव रूट फॉर ट्रेड विद अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया गिवन द हर्डल्स इन द डायरेक्ट रूट थ्रू पाकिस्तान तो अब बताइए बच्चों ये जो पार्ट है ओपन अप अ परमानेंट ऑल्टरनेटिव रूट फॉर ट्रेड इसको आप रिप्लेस कैसे करोगे आपके ऑप्शन आपके सामने हैं ये है ओपन एन परमानेंट ऑल्टरनेटिव रूट फॉर ट्रेड या फिर ओपनिंग अप अ परमानेंट ऑल्टरनेटिव रूट फॉर ट्रेड या फिर ओपन अप अ परमानेंट ऑल्टरनेट रूट फॉर ट्रेड सो गायस योर टाइम स्टार्चना फ्रेंड्स कमॉन

तो मैंने आपसे यही कहा था ना ये पूछा था कि बताइए इसका रिप्लेसमेंट आप कैसे तय करोगे चाबहार चाबहार पोर्ट ओपन अपॉन अ परमानेंट ऑल्टरनेटिव रूट फॉर ट्रेड तो बताओ बच्चों क्या ओपन के साथ अपॉन आपको लगता है कि सही है या फिर तो देखो जाहिर सी बात है ओपन एन परमानेंट तो नहीं होगा एन के बाद आता है तो नहीं आता है तो जाहिर सी बात है जो यहां पर दिया हुआ है ऑप्शन ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता फिर देखो, देखो बी में दिया हुआ है बोथ वन देखो जहां भी वन है वो तो हरगिज नहीं होगा तो बी भी काट लेते हैं और सी भी हम हटा सकते हैं साथ ही में देखा जाए अच्छा देखो फिर डी कह रहा है ओनली थ्री इज करेक्ट अब नंबर टू क्या था ओपनिंग अप अ परमानेंट

सिर्फ ओपन अप अ परमानेंट ऑल्टरनेटिव रूट फॉर ट्रेड इज दिस करेक्ट गाइज या फिर जो दिया हुआ है ओपन अपॉन अ परमानेंट ऑल्टरनेटिव रूट फॉर ट्रेड सो गाइज मैक्सिमम गोइंग आफ्टर ऑप्शन डी कुछ लोग हालांकि ई भी कह रहे हैं तो देखते हैं सही जवाब क्या है कैन वी हैव द आंसर प्लीज ओके गाइस तो देखिए यहां पर या तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो सकता है या फिर आंसर ऑप्शन ई हो सकता है मैंने आपसे पहले भी कहा था तो मैक्सिमम लोग को देखते हुए मैं कह सकता हूं नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर बात है बच्चों देखो ओपन अपॉन साथ में नहीं आता है इसीलिए जो आपका ऑप्शन डी है ओनली थ्री इज करेक्ट दैट इज दी आंसर ओवर हियर चलिए फिर आगे बढ़ते हैं जो अगला सवाल है उसको देखते हैं हम लोग यहां पर नाउ द डिसीजन बाय इंडिया अफगानिस्तान एंड ईरान to hold an international event in february 2019 to promote shabahar and to studying ways the make to make the route more attractive and decrease logistic cost is timely so tell me guys what's the answer over here time starts now so hurry up and answer my dear friends come on 20 seconds left guys so hurry up come on everybody ओके द टाइम इज अपल राइट तो बच्चों देखा जाए एक बार फिर से काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यहां पर लेकिन आप मुझे बताइए क्या टू स्टडिंग साथ में आ जाएगा आपको लगता है ये सही है तो पहला ऑप्शन आपके पास था टू स्टडी वेज टू मेक द रूट मोर अट्रैक्टिव दूसरा था टू स्टडी वेज टू मेकिंग जाहिर सी बात है बच्चों जब हम स्टार्टिंग में नहीं लगा रहे थे टू के साथ तो यहां भी नहीं लगाएंगे इसका मतलब क्या है इसका मतलब जाहिर सी बात है है कि नंबर ऑप्शन दिया हुआ ओनली टू ये तो किस नहीं होगा और जहां भी जो ऑप्शन है स्टेटमेंट टू का वो आंसर नहीं हो सकता फिर देखो नंबर थ्री में क्या लिखा है टू स्टडी वेज टू मेक्स क्या टू के साथ मेक्स आता है नहीं ऐसा भी नहीं होता इसका मतलब क्या है जहां पर नंबर थ्री है ये भी नहीं

करेक्ट आंसर ऑप्शन एंड आई आपने लगा लिया होगा इसको भी चलिए, फिर next one देखते हैं। हम लोग सवाल नंबर जो है, वेवर फ्रॉम द यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान फॉर द मोमेंट बट दीस कंशन कुड बी विदड्रॉन एनी टाइम अब देखिए यहां रिप्लेसमेंट के लिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है गिविंग द कॉन्स्टेंट इन द एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑप्शंस देखिए आपके सामने यहां पर दिए हुए हैं गिवन द कॉन्सेंट ऑफ पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन द ऑफ़ पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कंसिडरिंग द कॉन्सेंट ऑफ पीपल इन एडमिनिस्ट्रेशन इनमें से एक सही रिप्लेसमेंट होगा वो कौन सा है ये आप तय करिए टाइम नाउ कैन बीम प्लीज ओकेगा स्टूडेंट से आप कम ऑन Okay, just 10 seconds left now guys, hurry up!

क्या गिवन द कांस्टेंट सही है या फिर कंसिडरिंग द कांस्टेंट सही है या दोनों ही सही है बताओ बच्चों वॉट यू थिंक ओवर भैया तो चलिए अब सही जवाब देख लेते हैं कैन वी हैव आंसर नाउ ओके वेल इट इज ऑप्शन डी बोथ वन एंड थ्री आर करेक्ट तो जो आपका बच्चों देखा जाए इनफैक्ट गिवन द कॉन्सेंट भी सही है साथ ही में जो लॉजिक की बात थी तो वहां कंसिडरिंग भी कहते हैं हम लोग तो हम कह सकते हैं फोर्थ का डी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो ये सेशन है वो पसंद आ रहा होगा और सभी लोगों ने फटाफट शो को लाइक भी कर दिया होगा अगर आपने लाइक नहीं किया है तो अभी फटाफट सभी लोग लाइक कर दो और लिख भी लो लाइक सर सो ऑल ऑफ यू गाइज क्विकली लाइक द सेशन एंड फटाफट सभी लोग लिख दो लाइक सर चलिए अब देखते हैं अगला सेशन क्या है नंबर फाइव ओके So, a crucial trilateral meeting of officials from India, Afghanistan, and Iran on the strategically important Shahbahar port was held on Monday, during which they agreed on the routes for. ट्रेड एंड ट्रांजिट कॉरिडोर्स बिटवी द थ्री कंट्री तो देखिये बच्चों यहाँ पर तीन स्टेटमेंट्स है आपके पास वर हेल्ड ऑन मंडे दूरिंग विच दे अग्रीड ऑन द रूट्स स्टेटमेंट टू है बींग हेल्ड ऑन मंडे ड्यूरिंग विच दे अग्रीड ऑन द रूट एंड नंबर थ्री है इज हेल्ड ऑन मंडे ड्यूरिंग विच दे अड ऑन द रूट सही रिप्लेसमेंट जो है बच्चों क्या हो जाएगा अगर रिक्वायर्ड है तो द टाइम दट नाउ सो कैन वी हैव टाइम अनाव के okay, seconds left लेफ्ट Hurry up. <coughs> okay, ओके लास्ट seconds left, लेफ्ट Quickly. ओके तो अब देखा जाए बच्चों यहां पर देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि दो अलग अलग एक्टिविटीज कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर एक मीटिंग हुई है साथ ही में देखा जाए आ, कुछ और भी चीजें हैं यहाँ पर वो हुई होंगी और कुछ लोग लग रहा है, नहीं सर कोई कोई ऐसा नहीं है कि डबल बात हुई है एक ही चीज हुई है या डबल एक्टिविटी नहीं है तो मैं देख रहा हूं लोग थोड़े कंफ्यूज मुझको लग रहे हैं इस सवाल पे वेल नंबर वन देखो अगर मल्टीपल एक्टिविटीज हैं तो हम बोल सकते हैं वर हेल्ड ऑन मंडे ड्यूरिंग विच देड ऑन द रूट्स नंबर टू में क्या है बींग ऑन मंडे राइट Uh, पोर्ट बीइंग हेल्ड ऑन मंडे ड्यूरिंग विच अग्रीड और नंबर थ्री है इज हेल्ड ऑन मंडे ड्यूरिंग विच दे तो देखो अगर हम पास की बात कर रहे हैं तो क्या उसके साथ हमें इज हेल्ड लगाना चाहिए इसको देखते हुए आप बताइए बच्चों आंसर, मुझे एक बार सभी लोग बताओ फटाफट से फाइनल -फड आंसर क्या होगा देखो जाहिर सी बात है ऑप्शन डी तो हरगिज नहीं हो सकता है तो इसको तो आप भूल सकते हो ठीक है तो ऑप्शन डी तो हरगिज नहीं हो सकता अब देखा जाए तो इसके अलावा बताओ बच्चों ए बी सी या फिर ई e, क्या बोलते हो आप लोग वेल आई थिंक नाउ इट्स टाइम इट एक्चुअल आंसर तो सही जवाब क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज देखते हैं आंसर क्या हो जाएगा बताइए ऑप्शन ई डियर फ्रेंड्स नो करेक्शन रिक्वायर्ड कोई जरूरत नहीं है यहां बदलाव करने की टूर एक्टिविटी की बात नहीं हो रही थी एक ही मीटिंग की बात हो रही है टेंस में बात है तो इसीलिए हेल्ड हम लगाएंगे बिल्कुल सही था तो वो सभी लोग जो यहां पर फिफ्थ का ई e लगा दिए हैं दे वेरी वेरी गुड जॉब जॉबाज गाइड यही रिक्वायर्ड भी है चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं अगला सवाल नंबर छह ओके द इज एज अ टू गोल्डन अपॉर्चुनिटीज फॉर ट्रेड बाय इंडिया ईरान and afghanistan with central asian countries besides ramping up the trade among the three countries after pakistan denied transit access to india. Bacho, par sahi jawab kya ho jaega, sahi kya time starts now so hurry up and answer guys okay guys 20 seconds left now so hurry up लास्ट टेन क्विकली ओके द टाइम इज अप। सो तो अब देखा जाए यहां पर इस कंसिडर एज अ गेट वे टू गोल्डन ऑपरचुनिटी बताओ चो या यहां पर हम लोग इस कंसिडर आपको लगता है सही है या फिर क्या बोलते हो इस कंसिडर्ड होना चाहिए यू थिंक ओवर हियर वेल अब देखो ऑप्शन वन में दिया हुआ है इस कंसिडर्ड अ गेट वे टू गोल्डन ऑपरचुनिटीज फॉर ट्रेड बाई इंडिया के बाद देखो बात है तो नहीं आ सकता तो मतलब भी है इसको आप पहले दो ये हरगिज़ नहीं होगा तो वन एंड टू भी नहीं हो सकता ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता और जाहिर सी बात है जब टू नहीं है तो ऑल आर करेक्ट भी नहीं हो सकता राइट यानी कि या तो ऑप्शन ए आंसर है या फिर कोई गलती एग्जिस्ट नहीं करती है तो बताओ बच्चों दो सेकेंड दे हूं आप लोग यहां पर फाइनल से से बताओ मुझको क्या ए लगा देंगे या या फिर फिर लगा देंगे? क्या क्या सही है होना चाहिए? क्या बोलते हो आप लोग? ऑप्शन so, okay. well, ए जो दिया हुआ है ओनली वन इज करेक्ट विल बी द करेक्ट आंसर ओवर हेयर राइट तो मतलब जो क्वेश्चन नंबर सिक्स का ए है बच्चों इसी को आप लगा दोगे दैट्स योर

रिप्लेसमेंट इसको आप कैसे करोगे जो टाइम सात नाउ सो हरी अप एंड आंसर इस कम ऑन टाइम अप प्लीज ओके गायस ट्वेंटी सेकेंड हरी अप लास्ट 10 सेकेंड पीपल हरी आप कम ऑन टाइम इज आप तो सभी लोग मैं देख रहा हूं फटाफट फड़ सही जवाब देते जा रहे थे इलेक्शन इन बांग्लादेश आर फेमसली ब्लड स्पोर्ट ड्यूरिंग द कैंपेन्स वर्चुअली एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी टर्न इन टू इट ओन बुलरिंग होना चाहिए या फिर इट्स ओन वट यू थिंग सही जवाब आपको क्या लगता है यहां पर वेल देखो स्टेटमेंट वन में दिया हुआ था एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी टर्न इट्स इज ओन ऑल राइट नंबर 2 में दिया हुआ है एवरी कन्फ्यूजनसी टर्न्स इट एज ओन या फिर नंबर 3 दिया हुआ है टर्न्स इट्स ओन वेल देखो जाहिर सी बात है इट्स इज ओन तो हरगिज नहीं होगा तो मतलब देखो जहां भी वन दिया है इसको तो आप पहले ही काट दो मतलब ऑप्शन ए भी नहीं होगा ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता है और जो आपका ऑप्शन सी है ये भी हरगिज नहीं हो सकता तो या तो देखा जाए आपका डी हो जाएगा यहां पर या फिर देखा जाए तो ई हो जाएगा यहां पर तो डी और ई e में से एक आंसर है और वो क्या है आपको मैं फाइनल दो सेकंड दे रहा हूं तो, तो लोग क्या तो लगा देंगे डी लगा देंगे या फिर ई e लगा देंगे इन टू इट ओन इज करेक्ट या फिर हमें यहां पर इट्स ओन करना चाहिए वट यू थिंक डियर फ्रेंड सो नाउ लेट सी द करेक्ट आंसर एंड इट इज ऑप्शन डी ओवर हियर राइट गाइज इट्स ओन हमें चाहिए यहां पर इसीलिए का यूज करना इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट माइडियर फ्रेंड्स तो इसका मतलब क्या हुआ सेवंथ का डी बच्चों सेवंथ का डी बिल्कुल सही जवाब है अच्छा इससे पहले कि मैं सवाल नंबर आठ पर जाऊं मैं पूछना चाहूंगा क्या सभी लोगों ने यहां पर सब्सक्राइब कर लिया है अड्डा टू फोर सेवन को

लास्ट वीक अ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर नोटिफिकेशन ऑथोराइजिंग टेन सेंट्रल एजेंसी टू इंटरसेप्ट मॉनिटर डी क्रिप्ट ऑनलाइन कम्युनिकेशन एंड डेटा कॉज अ फरो पार्लिवेंट एंड वाइडर सिविल सोसाइटी तो बताइए बच्चों यहां पर आपके हिसाब से जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा योर टाइम साउ कैन वी है टाइम अलीस Okay, guys, 20 seconds left now, so hurry up. <clears throat> Last 10 seconds, guys, come on. ओके द टाइम इज अप वेल माय डियर फ्रेंड्स देखो जाहिर सी बात है यहां पर डेटा कॉज्ड अ इन बोथ पार्लियामेंट एंड द वाइडर सिविल सोसाइटी तो मोस्ट ऑफ देखो जो भी चीज है लास्ट वीक है मैंने आपसे पहले भी कहा था कि लास्ट वीक हो लास्ट ईयर हो लास्ट मंथ हो तो यूजुअली यू गो फॉर पास्ट इन यानी कि सिंपल पास्ट बताया था हम लोगों को पहले भी और देखो दो ऑप्शन है आपके पास डेटा कॉजिंग अ फरो भाई पास की बात है वैसे फरोर का मतलब होता है काफी मतलब शोर मचवाना या काफी बवाल होना लाइक दैट कॉजिंग तो हम नहीं लगा सकते राइट right? भी नहीं लगा सकते तो क्या मेरे ख्याल से देखा जाए तो ऑप्शन दो ही लगता है क्या आप अग्री करते हो मेरी बात से कि ऑप्शन टू इज ऑप्शन बी इज करेक्ट क्या बोलते हो गाइज डू यू अग्री विद मी मीट ऑप्शन बी इज आंसर जितने भी लोग अग्री हैं वो लिख देस सर अग्री सर कितने लोग कह रहे हैं हैं ऑप्शन बी इज इज द द आंसर 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 वेल देखते लेट्स सी एक्चुअल एक्चुअल एंड इट इज ऑप्शन बी माय डियर फ्रेंड्स ठीक है लास्ट वीक लास्ट मंथ ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है जब भी एडवर्ब ऑफ टाइम पास्ट में है तो आप आंख बंद करके पास्ट एंड को चूज कर सकते हो ठीक है बच्चों सो so, एथ का भी इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप आप सभी लोगों ने इसको लगा लिया होगा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं देखते हैं जो अगला जवाब है अगला सवाल है वो देखते हैं नंबर नाइन सो सर्वेलेंस इज एसेंशियल टू इंश्योर नेशनल सिक्योरिटी एंड प्री एम टेरिस्ट थ्रेट एंड इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ सर्वेलेंस दैट इट मस्ट टेक प्लेस आउटसाइड द पब्लिक आई तो ये जो इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ सर्वेलेंस है इसको आप रिप्लेस कैसे करोगे बताओ चोट योर टाइम नाउ सो कैन वी हैव द टाइम अ प्लीज

आपको यहां पर रिप्लेस करने के लिए कहा गया था तो ऑप्शन आपके पास है इट इज इन द वेरी नेचुरल ऑफ सर्वेलेंस या फिर इट इज इन द वेरी नेचर्स ऑफ सर्वेलेंस या फिर इट इज ऑन द वेरी नेचर्स ऑफ सर्वेलेंस देखो ये तीन आपके पास ऑप्शन हैं तो मेरे ख्याल से जाहिर सी बात है देखो, देखो वेरी नेचुरल तो कुछ भी नहीं होगा तो मतलब आपका जो वन है बच्चों ये तो अपने आप ही हट जाता है मतलब जहां भी वन होगा वो तो नहीं हो सकता तो या तो बच्चों आपका आंसर हो जाएगा बी या हो जाएगा सी या फिर जैसे कि मैक्सिमम लोग कह रहे हैं कि ऑप्शन ई इज दी आंसर सो गाइज फाइनल टू सेकेंड्स क्या लगाएंगे हम बी लगाएंगे सी लगाएंगे ई लगाएंगे बताओ बच्चों इट इज इन द वेरी नेचुर नेचुरल तो हरगिज नहीं होगा इसके अलावा ऑप्शन था इट इज इन द वेरी नेचर्स ऑफ क्या ये आंसर है इट इज ऑन द वेरी नेचर क्या ये आंसर है या फिर इट इज इन द वेरी नेचर क्या लगाएंगे ऑप्शन ई नो करेक्शन रिक्वायर्ड बच्चो जब गलती नहीं है तो गलती नहीं निकालनी है मोहल्ले वाले आंटी नहीं बनना है, है कि नहीं तो इसीलिए बच्चों जो नाइन्थ का ई e है दैट इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप की आप सभी लोगों ने फटाफट फड़ से इसको आंसर लगा दिया होगा चलिए अब देखते जो अगला सवाल है नंबर दस लेट्स गो एंड चेक आउट दैट क्वेश्चन नेक्स्ट वन का

Okay, guys, 20 seconds left now. Hurry up. Last five seconds, guys. Come on. ओके द टाइम इज अप तो बच्चों मैं देख रहा हूं सभी लोग फटाफट से इसका आंसर लगा दे रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि आपको आंसर दिखा ही दूं सो कैन वी हैव द आंसर प्लीज वेल गाइस इट इज बोथ 2 एंड 3 देखो जाहिर सी बात है डिस्पाइट हम तब कहते हैं जब हम किसी और एक्शन की बात कर रहे हैं राइट लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे थे अब देखा जाए तो आजादी के साथ साथ जो और भी चिंताएं थी हम यहां पर उसकी बात कर रहे हैं साथ ही में देखा जाए या फिर हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि आजादी के रिगार्डिंग जो चिंता थी हम उसके साथ साथ उसकी बात कर रहे हैं राइट बच्चों तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इज गोइंग टू बी टेंथ का सी एस दी आंसर एंड आई होप आप सभी लोगों ने टेंथ का सी लगा लिया होगा इट वॉज नॉट दैट क्वेश्चन और हाँ तो क्या आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन की बताइए गाइस डू ऑल ऑफ यू फाइंड द क्वेश्चंस इंटरेस्टिंग क्या सबको सवाल इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मजे आ रहे हैं अच्छा लेवल का लग रहा है और आपको पीडीएफ चाहिए टेल मी गाइस ऑल ऑफ यू हु वांट द पीडीएफ लिख लो यहां पर कमेंट में यस सर वांट द पीडीएफ क्या चाहिए आपको पीडीएफ तो बुरा लिखना यस सर वांट द पीडीएफ ओके तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या नंबर 11 लेट्स सी दैट सो टू प्रॉपर्ली हार्नेस डिजिटाइजेशन

Hmm. Last ten seconds, guys. Come on. Okay. तो अब बच्चों देखा जाए यहां पर बहुत सारे लोग समझ गए कि सर सही आंसर जो है वो क्या है बट एनी वे मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा तुरंत देखो सी बात है टू प्रॉपरली हार्नेस के बाद ऑफ तो हरगिज नहीं होगा मतलब देखा जाए जहां भी आप थ्री लगा रखे हैं उसको तो आप ऐसे ही काट दो ठीक है जब थ्री नहीं है तो जाहिर सी बात है ऑल आर करेक्ट भी नहीं होगा तो सी एंड डी तो ऐसे ही कर गए या तो आपका आंसर बच्चों ऑप्शन ए होने वाला है या फिर आपका आंसर ऑप्शन बी होने वाला है या फिर आपका आंसर जो है ऑप्शन ई होने वाला है तो ए या बी या इनमें से एक आंसर होगा बताओ बच्चों दो सेकंड दे हूं आप लोगों को क्या होगा बता दीजिए सभी लोग व्हाट्सिट आंसर बी ए इट इज गोइंग टू बी बी या फिर गलती है ही नहीं क्या बोलते हो आप लोग वेल लेट सी द एक्चुअल आंसर एंड इट इज ऑप्शन ई माय डियर फ्रेंड्स आई नो आज बहुत सारे आपको नो क्वेश्चन रिक्वायर्ड मिल रहे हैं बट बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स आई वांट यू टू मेक श्योर कि आप बढ़िया से प्रिपेयर करो बढ़िया से रिवाइज करो ओके okay? so, हो इन रियलिटी देखा जाए टू तो प्रॉपरली हार्नेस डिजिटाइजेशन उसका पूरा फायदा उठाने के लिए डिजिटाइजेशन का पूरा फायदा उठा सके तो उसकी बात हो रही है यहां पर एंड इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स 11th का ई इज द आंसर ओवर हियर तो ज्यादातर लोग यहां कह रहे थे वैसे कि सर पीडीएफ चाहिए ट द पीडीएफ वॉन्ट द पीडीएफ मैक्सिमम लोगों ने लिखा है यहां पर तो बच्चों जिनको भी पीडीएफ चाहिए मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं कि वो सभी लोग इस वीडियो को टेलीग्राम पे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे हर जगह फटाफट शेयर कर देंगे ओके गाइस सो यू वॉन्ट द पीडीएफ राइट आई होप यू विल शेयर द वीडियो राइट अवे तो सभी लोग जो है फटाफट से लिख दो शेयर सर शेयर द वीडियो एंड देन राइट शेयर सर सभी लोग टेलीग्राम पे शेयर करो व्हाट्सएप पे शेयर करो फेसबुक पे शेयर करो बाकी जहां भी आप शेयर करते सकते तो शेयर करो और फटाक से लिख दो यहां पर शेयर सर चलिए फिर आगे बढ़ते नेक्स्ट नंबर क्या है सो एट प्रेजेंट डिस्पाइट द द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स इन वर्ल्ड इंडिया हैज लिटिल टू शोइंग एज अ कंट्री इनगेटरी मेजर रेगुलेटरी रिस्पॉन्स और पार्लियामेंट्री प्रोसेस विद सेव गार्ड यूजर्स वॉट इज दियर टाइम गाइज गाइस so 20 seconds लेफ्ट नाउ हरी up. लास्ट 10 seconds, पीपल कम ऑन सो अब देखो बच्चों, जाहिर सी बात है टू शोइंग तो नहीं होगा बिकॉज टू के साथ आयन जीव वो नहीं लगाएंगे जाहिर सी बात है। तो मतलब ऑप्शन ई जो है बच्चों ये देखो नहीं आएगा ठीक है अब टू के साथ जाहिर सी बात है कि शोज ही नहीं आता है तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या हुआ नंबर दो जो है वो आप आंसर में नहीं लगाओगे तो मतलब ऑप्शन बी भी आंसर नहीं है इसका मतलब क्या है ईदर योर आंसर इज ओनली वन या फिर देखा जाए तो वन एंड थ्री है या तो ये आपका आंसर है या फिर देखा जाए तो ओनली थ्री ये आपका आंसर है तो या तो ए या तो सी या तो डी इन तीनों में से बच्चों एक आपका आंसर होगा एंड टाइम नाउ वैसे मैं ये, मैं ये नहीं बोल सकता बट हां फाइनल मैं चाहता हूं कि दो सेकंड आप लोग ले सकते थे को, कोई बात नहीं फटाक से आंसर आ गया आपने अभी आप तो वेल well, अच्छा सस्पेंस इस बार नहीं बन पाया कोई बात नहीं ओनली वन इज करेक्ट जाहिर सी बात है भाई देखो टू शो एज अ कंट्री इन इन्वेस्ट्री आउटकम्स ये बिल्कुल सही है अब अब देखो नंबर थ्री सही क्यों नहीं है बहुत सारे लोग कह रहे हैं शो के बाद अबाउट नहीं आता है ओके okay? शो इज नॉट फॉलोड बाय अबाउट स्पेशली व्हेन यू हैव गॉट एज ओवर हियर यहां रिक्वायरमेंट जो है बच्चों वो एज की थी ना कि अबाउट की इसीलिए हमने इसको लगा दिया चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट वन जो नंबर थर्टीन है लेट सी दैट ओके फार्मिंग साइंस शुड मीन नेवर गोइंग अगेंस्ट नेचर but instead observing natural processes carefully to see how these can be harnessed to help the cause of farmers and farming without farming other living beings and the environment so guys yet to see how these can be harnessed to help your time starts now so hurry up and answer my dear friends okay guys 20 seconds left now so hurry up everybody

ाहिर कैन है कैन बी के बाद हार्डनेस तो नहीं आता मतलब जो ऑप्शन ए है ये भी नहीं होगा जो ऑप्शन डी है ये भी नहीं होगा ठीक है टू सी हाउ दीज कैन बी हार्डनेस टू हेल्पिंग

टू सो हाउ दीज कैन बी हार्नेस टू हेल्प ये आना चाहिए बल जाहिर सी बात है तो लोग कह रहे हैं सर ई e लगा दो ई e लगा दो तो ओके लेट सी दी आंसर नाउ एंड दैट हैज टू बी ऑप्शन ई ओवर हियर बिल्कुल सही जवाब है तो बच्चों थर्टीन का जो ई e है ये सही जवाब है और मैं चाहत मैं समझ सकता हूं एंड आई होप सब लोगों ने फटाक से वीडियो को शेयर भी कर दिया है और सब लोग इतने अच्छे हो आप लोग कि आप लोग वीडियो को लाइक भी करते हो शेयर भी करते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हो और बाकियों को करवाते भी हो सो दैट्स वेरी गुड डियर फ्रेंड्स जिन्होंने भी सब लोग कर दिया है तो लिख लें लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने वीडियो को लाइक किया है शेयर भी किया है चैनल को सब्सक्राइब भी किया है तो सब लोग लिख लो यहाँ पर फटाक से लाइक शेयर सब्सक्राइब वेरी वेल एंड थैंक यू सो मच चलिए सवाल नंबर चौदह में चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसके बाद एक और सवाल होगा सो देयर इज इनफ स्कोप फॉर जनरेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ अदर इको फ्रेंडली जॉब्स एट द लेवल ऑफ रूरल एंड पैरा अर्बन एरियाज व्हिच कैन बी मोर एक्सेस टू ऑल रूरल फैमिलीज तो बताइए तो यहां रिप्लेस आप कैसे करोगे क्या करोगे टाइम स्टार्च नाउ सो हरिया ऑन 20 seconds left, guys. Hurry up. Last 10 seconds, guys. Come on. ओके सो विच कैन बी मोर एक्सेस टू ऑल रूरल फैमिली देखो सर बच्चों देखो, देखो बात क्या है यहाँ पर हमें वर्ब नहीं एडजेक्टिव चाहिए एक्सेस क्या है ये तो वर्ब है तो मतलब इस बार तो जाहिर सी बात है कि देखो बच्चों ऑप्शन ई तो हरगिज़ नहीं होगा लेकिन ऑप्शन ई e नहीं होगा इसका मतलब क्या है विच कैन बींग मोर एक्सेसिबल बताओ क्या कैन बींग चाहिए पैसिव तो है नहीं तो मतलब ऑप्शन वन भी नहीं होगा ठीक है और अगर वन नहीं होगा इसका मतलब वन जहां जहां दिया है उसको भी आप ऐसे ही उड़ा दो तो मतलब ऑप्शन डी भी नहीं होगा ठीक है सी हो सकता है बी भी हो सकता है इनमें से एक आंसर होगा तो आप बताओ बच्चों दो सेकंड दे रहा हूं सब लोग बताओ फटक से क्या लगा आपने बी लगाया सी लगाया चल मी गाइस व्हाट हैव यू सेड इज द आंसर इज इट बी इज इट सी वेल लेट्स सी द फाइनल आंसर नाउ और जवाब जो है वो क्या है इट इज टू एंड थ्री आर करेक्ट व्हिच कैन बी मोर एक्सेसिबल टू ऑल रूरल फैमिलीज इज ऑल्सो करेक्ट विच कैन बी मोर अवेलेबल भी सही है टू ऑल रूरल फैमिली ओके गाइस तो मतलब फोर्टीन का अभी बच्चों ये बिल्कुल सही जवाब है एंड दैट्स वेरी वेरी गुड टू सी तो अब देखते हैं हम लोग अगला सवाल नंबर फिफ्टीन और सवाल को सॉल्व करने के बाद मैं बताऊंगा आपको कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए इन सवालों का उनको पीडीएफ कैसे मिलेगा राइट ऑल ऑफ यू पी डी एफ सो आई विल डेफिनेटली टेल यू हाउ टू गेट द दीडीएफ लेट्स सॉल्व नंबर राइट अवे सो द प्रॉब्लम ऑफ रूरल डिस्ट्रेस इज मल्टी डायमेंशनल एंड द सोल्यूशन ऑल्सो हैज टू बी मल्टी डायमेंशनल वी शुड ट्राई टू रीच अ ब्रॉड अग्रीमेंट एट लीस्ट ऑन सम बेसिक इश्यूज सो दैट सम इंपॉर्टेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव कैन बी टेकन अप विदाउट फर्दर डिले तो बताइए बच्चों यहां पर ट्राई टू रीच अब्रॉड अग्रीमेंट एट लीस्ट ऑन सम बेसिक इश्यूज को आप रिप्लेस कैसे करोगे योर टाइम नाउ सो हरी अप एंड आंसर माय डियर फ्रेंड्स कम ऑन ओके गाइस सो 20 सेकंड्स लेफ्ट नाउ हरी हरिअप लास्ट टेन सेकेंड गायस कमऑन ओके सो एनीवे अब देखा जाए बच्चों यहां पर देखो दिया हुआ है वी शुड ट्राई टू रीच अ ब्रॉड अग्रीमेंट ये आपके क्वेश्चन में दिया है आप देखा जाए रिप्लेस किस तरीके नहीं है यहां पर सो वी शुड ट्राइंग टू रीच अ ब्रॉड

तो बच्चों बिल्कुल सस्पेंस नहीं करते कैन वी हैव द आंसर नाउ इट हैज टू बी ऑप्शन ई ओके सो ऑप्शन ई ट्राई टू रीच अ एग्रीमेंट बिल्कुल सही है बच्चों एंड आई होप सबने लगा दिया होगा बिकॉज फिफ्टींथ का ई गाइज इज द आंसर ओवर हियर ओके सो लेट्स रिमूव द स्लाइड नाउल सवालों का यहां पर तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों ने फटाफट से सारे क्वेश्चन कर लिए होंगे और अच्छे से किए होंगे और मैं बता दूं आपको अगर आपको चाहिए आज से पी डी एफ तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप जो टेलीग्राम का ऐप आता है उसको डाउनलोड कर लीजिए एंड साथ ही में उसमें सर्च करिए इंग्लिश बाय सौरभ स या फिर सौरभ सर ऑफिशियल कम्युनिकेशन दूसरा वाला चैनल है पहला वाला ग्रुप है और इन दोनों में आपको पी मिल जाएगा हमारे आज के सेशन का तो अभी तक इतना ही था इन द नेक्स्ट क्लास विल अगेन लर्न समथिंग न्यू टिल देन पीस आउट माई डियर फ्रेंड्स Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019